भारत श्रीलंका सीरीज ने बढ़ाई टेंशन, T20 सीरीज को बड़ा नुकसान, करोड़ों का घाटा झेल रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स। भारत और श्रीलंका के बीच साल 2023 की पहली सीरीज शुरू हो चुकी है। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। इसके बाद दोनों टीमें आमने सामने होंगी और ODI सीरीज खेलेंगे। T20 सीरीज की बात करें तो अब तक एक मुकाबला हो चुका है, दूसरा मुकाबला गुरुवार 5 जनवरी को पुणे के मैदान पर खेला जाएगा। बात करें अगर भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले मुकाबले की, तो वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 2 रनों से हरा करके सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। बहरहाल इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबले लगातार चल रहे हैं और सीरीज के 3 मुकाबलों के बाद टीम सीनियर खिलाड़ियों की उपस्थिति में ODI सीरीज भी खेलेगी, लेकिन इस सीरीज से ब्रॉडकास्टर्स के लिए चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुई इस सीरीज से ब्रॉडकास्टर को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल भारत और श्रीलंका सीरीज के ब्रॉडकास्ट राइट इस वक्त स्टार स्पोर्ट्स के पास है। स्टार्स के पास इसके राइट्स हैं, जहां टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स 1, 2, 3 हिंदी इंग्लिश तमाम चैनल्स पर लाइव प्रसारण इस मैच का किया जा रहा है। इसके अलावा हॉट स्टार के पास इसके डिजिटल राइट्स हैं, यानी कि फ़ोन पर डिजिटल आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो हॉट स्टार पर आपको लॉगिन करना होगा और मुकाबले का आप लुत्फ उठा सकते हैं। टीवी पर यह स्टार स्पोर्ट्स और उसके तमाम चैनल्स पर उपलब्ध है, लेकिन भारत और श्रीलंका सीरीज में इस ब्रॉडकास्ट राइट्स वाले स्टार्स को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? दरअसल स्टार स्पोर्ट्स और हॉट स्टार दोनों को ही ना तो डिजिटल और ना ही सैटेलाइट कमाई हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि स्टार स्पोर्ट्स को भारत और श्रीलंका के मुकाबले दिखाने पर एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रहे हैं। टीवी पर बात करें तो 2 से 3 ही एडवर्टाइजमेंट स्टार स्पोर्ट्स के पास रह गए हैं। इसके अलावा डिजिटल की बात करें तो हॉट स्टार के पास 1 भी एडवर्टाइजमेंट इस सीरीज के दौरान नहीं मिल पा रहा है। इससे करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान स्टार्स को झेलना पड़ रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्टार स्पोर्ट्स को BCCI को प्रति मैच 60.1 करोड़ रुपए देने होते हैं, लेकिन इस वक्त स्टार स्पोर्ट्स को स्टार चैनल को 40% का नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसके चलते यह नुकसान करीब 200 करोड़ का हो चुका है। बहरहाल आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि IPL के राइट्स भी स्टार्स के पास हैं, लेकिन उस दौरान स्टार्स के पास अच्छी कमाई होती है, लेकिन साल 2023 की पहली सीरीज भारत श्रीलंका की सीरीज के दौरान इन्हें ही 200 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस पर स्टार्स के कई अधिकारी बताते हैं कि सीरीज की शुरुआत है, साल की शुरुआत है, इस वजह से भी शायद लोग इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके अलावा शायद लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज खेली जा रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही कमबैक करेंगे और ODI सीरीज में इस कमाई में बढ़ोतरी होगी। इसके पीछे एक और बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि T20 सीरीज के दौरान कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल जैसे तमाम खिलाड़ी शामिल हैं। जब ODI सीरीज पर इन सीनियर खिलाड़ियों की वापसी होगी तब शायद स्टार्स को फायदा हो सकता है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि स्टार्स को 200 करोड़ रुपए का नुकसान और ज़्यादा बड़ा नुकसान बनता हुआ दिखाई देता है या फिर स्टार्स एक अच्छी कमाई करता है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहे वन इंडिया। नमस्कार।